फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर में। तो आज मैं आपको बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताऊंगी। तो मैंने ब्लाउज की लेंथ 14.5 इंच रखी है और आर्म होल की चौड़ाई कटिंग मैंने 5.5 पे किया है। 3 इंच की गले की चौड़ाई देते हुए मार्किंग करेंगे और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर लिया है। अब पहले मैं दोनों मार्क को बराबर कर देती हूँ। अब इसके बाद गले का लेंथ लेंगे। गले का लेंथ मैं 10 इंच रख रही हूँ, 10 इंच पे मार्क करेंगे। इसको बराबर कर देते हैं। अब गले की गोलाई 1 इंच पे कर देती हूँ, तो 1 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंच पे गले की राउंड में मार्क कर लेंगे। अब इसको कट कर देंगे। ये देखिए, मैंने गला कट कर दिया है। अब ब्लाउज का कपड़ा बिल्कुल बराबर में रखते हुए इसका भी गला सेम ऐसे ही कट करेंगे। ये मेरा गला देखिए कट चुका है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर में रखते हुए गले की स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने गले का स्टिचिंग कर दिया है। अब पूरे गले पे मैं कट्स लगा देती हूँ। ये मैंने कट्स लगा दिया। अब इसको हम पलट कर सीधा कर देते हैं गले को। अब गले पे एक सिलाई लगा के फिर से इसको स्टिच कर देंगे पूरा। तो मैंने देखिए गले को फिर से स्टिच कर दिया है। ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हैं, पूरे ब्लाउज की फिर से स्टिचिंग कर लेते हैं पूरा ऑल राउंड। ये मैंने देखिए पूरा स्टिचिंग कर दी है ब्लाउज की। अब मुझे इस पर डिज़ाइन करना है। इसको साइड करेंगे। उसके पहले मैं इस पर पहले लेस लगा लेती हूँ गले पे। तो एक लेस मैंने लिया है। अब गले पे लेस को हम स्टिच कर देते हैं। एक साइड से मैंने लेस स्टिच किया है, दूसरे साइड से भी कम्प्लीटली स्टिच कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड से लेस को कम्प्लीटली स्टिच कर दिया, ये देख लीजिए। अब इसको साइड करेंगे। और डिज़ाइन के लिए मैंने ये बकरम लिया है। इसको हम 4 इंच की लंबाई पे पहले कट कर देते हैं। तो 4 इंच की लंबाई पे हम पूरा इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से मार्क कर लेते हैं 4 इंच की लंबाई पर। इसको बिल्कुल बराबर में कर देंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर दिया है। इसको मैं 3 पार्ट्स में कर लेती हूँ। इसको फोल्ड करके फिर डिज़ाइन कट कर देते हैं। तो वीडियो में देख लीजिए डिज़ाइन मैं कैसे कट कर रही हूँ। ये मैंने डिज़ाइन कट कर लिया है बकरम को। अब इसको मुझे कपड़े पे स्टिच करना है। तो मैंने देखिए आयरन की सहायता से इसको कपड़े पे देखिए प्रेस कर दिया है। आप इसको सिलाई लगा के भी ज्वाइंट कर सकते हैं कपड़े के साथ में। इसको मैं पहले कट करके अलग अलग पार्ट में कर देती हूँ। ये देख लीजिए, मैंने सबको अलग अलग पार्ट में कटिंग कर दी है। अब मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से सिलाई करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, तभी ये बिल्कुल बराबर में आएगा। तो ऐसे बराबर हम सबको सेम ज्वाइंट कर लेते हैं स्टिच करके। ये देखिए, मैंने पूरा अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर दी है। अब मैंने ये अस्तर लिया है। अब बिल्कुल इसके बराबर में हम अस्तर कट कर लेते हैं। जितने हमने बनाए डिज़ाइन इसके बराबर में अस्तर कट कर देते हैं। ये मैंने अस्तर ले लिया है तीनों के बराबर। अस्तर को हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो मैं किस तरीके से अस्तर को ज्वाइंट कर रही हूँ आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। सेम इसी तरीके से आप भी अस्तर को ज्वाइंट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक है उसको निकाल देंगे और यहाँ से थोड़ा सा हम कट्स लगा देंगे, जिससे हमारा कॉर्नर जब उलट कर इसको सीधा करें तो बिल्कुल बराबर में आए। इसलिए मैं कट्स लगा देती हूँ पूरा कॉर्नर में। ये मैंने कट्स लगा दिया। नीचे के साइड से थोड़ा सा अस्तर हम कट कर देंगे, बिल्कुल बीच से कट कीजिएगा मिड में।
अब इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने डिज़ाइन को पलट कर सीधा कर दिया है पूरा। इस तरीके से मैंने देखिए दोनों को कर लिया जो बचे थे। अब इस पे हम लेस लगाएंगे, तो मैं लेस ले लेती हूँ और इसके ऊपर अच्छे तरीके से लेस को स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैंने लेस को अच्छे तरीके से पूरा स्टिच कर दिया है। इस तरीके से हम और लगा लेते हैं। तो एक मेरा बाकी है, इस पर भी मैं लेस लगा के आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कैसे मैं लेस को स्टिच कर रही हूँ डिज़ाइन के साथ में। ये मैंने देखिए लेस पूरा स्टिच कर दिया है तीनों डिज़ाइन के साथ में। अब इसको मुझे ब्लाउज पे स्टिच करना है, तो मैं ब्लाउज ले लेती हूँ। इसको पहले नीचे के साइड से हम ट्रक्स लगा लेंगे ब्लाउज में। यहाँ से मैं डबल फोल्ड करते हुए ट्रक्स लगा के स्टिच कर देती हूँ। इसी तरीके से दूसरे साइड भी कर लेंगे। मैंने दोनों साइड से देखिए ट्रक्स लगा के बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर दिया है। अब मैंने नीचे के साइड से देखिए अस्तर का कपड़ा जॉइंट कर दिया है। इसको मैं डबल फोल्ड करके और इसके बाद ब्लाउज के साथ में जॉइंट करते हुए स्टिच कर देती हूँ पूरा। ये मैंने देखिए स्टिच कर लिया है पूरा नीचे के साइड से। अब मुझे नीचे के साइड से डिज़ाइन को बनाना है, तो मैं डिज़ाइन ले लेती हूँ और यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिच करेंगे डिज़ाइन की। मैंने डिज़ाइन लिया है यहाँ से बिल्कुल बराबर में, पहले हम डिज़ाइन को रख देते हैं। ये देखिए इसी बराबर में हम डिज़ाइन को स्टिच कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ डिज़ाइन को। ये देख रहे हैं आप वीडियो में देख रहे होंगे कैसे मैं डिज़ाइनों को ज्वाइन कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ब्लाउज डिज़ाइन है, आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देख लीजिए मैं कैसे इसको बना रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप भी बना लीजिएगा। तो मैंने डिज़ाइन को देखिए ज्वाइन कर दिया है पूरा अच्छे से ब्लाउज पे। अब इसको मुझे डेकोरेट करना है, तो मैं बटन ली हूँ, आप बटन बना लीजिएगा इसको और यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे। मेरी ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ही सिंपल ब्यूटीफुल ब्लाउज डिज़ाइन था। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। और अगर मेरे इस चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा मेरे ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइनर ब्लाउजेस एंड ड्रेसेस की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।